फिल्म काली को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। डायरेक्टर लीना मणिमेकलई ने एक और विवादित तस्वीर पोस्ट कर दी है। उन्होंने शिव पार्वती की ऐसी तस्वीर डाली है जिसमें वे सिगरेट पीती हुई नजर आ रही हैं। ये पोस्ट ट्विटर पर शेयर की गई। इसे देखकर लोग एक बार फिर भड़क उठे। सोशल मीडिया पर लोग फिल्म मेकर लीना पर भड़के हुए हैं। कई लोग लीना को अरेस्ट करने की मांग भी कर रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विवादित फिल्म काली को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी के विरोधी नहीं हैं, किसी की धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। माँ काली का अपमान किया गया, पोस्टर में माँ काली को गलत तरीके से दिखाया गया। हम ही ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं, माँ का अपमान सहन नहीं करेंगे। विदिशा के सिरोंज में नगरीय निकाय चुनावों में प्रचार रैली में पहुंचे सीएम ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर आस्था को टूटने नहीं देंगे, चोट नहीं पहुंचने देंगे। भारतीय जनता पार्टी सब धर्मों का आदर करती है। अगर हम विरोधी हैं तो आतंकवाद और आतंकवादियों के, धर्म और जाति के विरोधी नहीं हैं। जितनी भी योजनाएं हैं सबके लिए हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर यह सामाजिक क्रांति किसी सरकार ने पहले नहीं की। अगर हम गरीब जनता को राशन फ्री दे रहे हैं तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे। भले ही नागरिक शहरी हो या ग्रामीण, हमने उनके लिए भू आवास अधिकारी योजना बनाई। किसी भी गरीब को हम जमीन के बिना नहीं रहने देंगे। हम उन्हें प्लॉट देंगे और उनके पास अगर पट्टा नहीं है तो उन्हें पट्टा देकर पहले जमीन का मालिक बनाएंगे, फिर वही मकान बनाने के लिए पैसे देंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ रोते रहते थे, कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया, मामा नहीं लुटेरा हो गया। मामा ने कहा कि पैसे की कमी नहीं है। सीएम चौहान ने यह भी कहा कि हम गुंडों, दबंगों और माफियाओं के विरोधी हैं। एक बात साफ है, मध्य प्रदेश की धरती पर किसी ने बहन बेटी को गलत नज़रों से देखा तो वो जेल जाएगा, मामा का बुलडोजर चलेगा।